हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज 18 मार्च और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और 2 बजे से मेरा पेपर है। तो मैं अभी निकल जाऊंगा लाइब्रेरी के लिए थोड़े टाइम में और फिर वहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम देने चले जाऊँगा। तो हमारा फार्मा का पेपर आपको पता ही होगा, आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि कैसे हमने एक दिन में एक आठ घंटे पढ़े, क्योंकि उसके पहले कुछ भी नहीं पढ़ा इसके लिए। तो अभी थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। मिलते हैं लाइब्रेरी में, बाय। कितना वर्ष हुआ पढ़ के? सब मस्त। पढ़ के हो गया है बट कुछ पता याद नहीं आ रहा है अभी। एग्जैक्टली। तो फट रही है अभी थोड़ी ना, कुछ फट नहीं रही है। चिल भी ले, एग्जाम क्या है, 3 घंटा बैठ के आएंगे बस। सो के नहीं आना है, मतलब कुछ तो लिख के आएंगे। कहाँ पे? मैं सो रही हूँ। सोने जा रही है तू? पेपर खराब है फिर भी ऐसा ही हंस रहे भाई। पेपर लिखा। तो गाइस हमारा अभी पेपर हो चुका है। पेपर बहुत मतलब इतना भी खास नहीं था, थोड़ा थोड़ा अच्छे है। कैसा गया भाई पेपर? जाने दो गाइस। हाँ जाने, वो नहीं पूछना था। पूछना था क्या? ये नहीं पूछना था। कैसे गया गाइस पेपर तुम लोग का? लिखा है बस बराबर, कुछ नहीं वही सब लिखता है। फार्मेक में फिजियो लिख के आया हूं। आधा घंटा सो गया मैं। खुशी पेपर कैसा गया आपका? एक नंबर। हाँ बोलना, बहुत अच्छा गया। ठीक गाइस, बहुत इजी पेपर आया था। सर वगैरह बोलो सुबह केसरी। पेपर है तो अभी मेरा तो 2 चैप्टर भी नहीं हुआ मेरे अच्छा रिविजन करके। तो अभी चालू है रिविजन, तो अभी टाइम हो गया खाना खाने का, तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ अभी। तो खाना खाने के बाद वापस से मैं आऊँगा लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बढ़िया मैं वापस पढ़ने। ठीक है, आज का मैं पूरा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग कितना घंटा पढ़ते हो, मतलब जब एग्ज़ाम रहता है तो। कुछ 12:30 हो रहे हैं और मैं अभी लाइब्रेरी से निकल रहा हूँ, निकल गया मतलब, और अभी जा रहा हूँ हॉस्टल पे, क्योंकि अभी कुछ और दिमाग में जा रहा नहीं था तो मैं सोचा जाके सो जाता हूँ अभी। और अभी जाके सो के फिर सुबह जल्दी उठ के वापस पढ़ने पड़ जाऊँगा। कल पैथो का मेरा है तो हम देखते क्या होता है, कल मिलते हैं सुबह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज 19 मार्च और आज डेट हुआ है एग्ज़ाम का, आज पैथो है। तो अभी सुबह के बज रहे 7 और मैं रेडी होकर जा रहा हूँ लाइब्रेरी और वहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। तो अभी पैथो का हुआ नहीं है क्योंकि पूरा पेपर हुआ नहीं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है तो पूरा हुआ नहीं है। तो अभी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कैसे जाता है पेपर। आपको मैं पेपर के बाद मिलता हूँ, ठीक है, बाय। कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ लिखा है सीख ली, पॉलीमराइजेशन बस। चलो अमन भाई, पेपर कैसा गया आपका? क्या भाई, अच्छा गया भाई। हाँ, बर्थडे कैसा गया आपका? मशहूर है भाई।
बर्थडे पेपर में गया भाई शर्मा के हैप्पी बर्थडे भाई ऑल द बेस्ट आजी मनीष हेलो एवरीवन तो हम लोग आगे एग्ज़ाम देंगे पैथों का पेपर था ठीक ठाक ही गया इतना भी कुछ था नहीं भाई जो पढ़ के गया था यही चालू है बस खाली दोपहर को पेपर दो से पाँच फिर आओ थोड़ा सा रेस्ट करो फिर नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करो यही कर रहे भाई दो तीन दिन से अभी वापस तीन पेपर बाकी है PSM FMT और माइक्रो तीन दिन और फिर हो जाएगा मॉर्निंग तो आज है 20th मार्च और आज मेरा माइक्रो का पेपर है तो अभी सुबह के बज रहे 8 बाद थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रात को मैं 11 बजे सोया लाइब्रेरी से आने के बाद वापस 3:30 बजे उठा था पढ़ने के लिए 3:30 बजे उठ के फिर वापस पढ़ा वढ़ा थोड़ा करके 2 घंटा 5:30 बजे वापस हो गया था फिर 7 बजे उठा फिर अभी रेडी होकर मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके लाइब्रेरी जाके पढ़ेंगे और फिर 2 बजे से अपना पेपर है देखते कैसे जाता है पेपर हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग तो आज है 22 मार्च और आज हमारा PSM का पेपर है तो कल FMT का था FMT का अच्छा ही गया मतलब थोड़ा थोड़ा पास तो हो जाएंगे लगभग शायद और FMT का और PSM का आज इन्वायरमेंट चैप्टर है अभी थोड़ा जाके अपन लाइब्रेरी में थोड़ा देखता हूँ थोड़ा सा पढ़ता हूँ और 2 बजे से पेपर है फिर 2 बजे पेपर देखिए पेपर ख़त्म मस्त फिर कल से आज से हमसे मज़े करेंगे इन द सेंस बास्केटबॉल खेलने जाएंगे बाकी भी और भी एक्टिविटीज़ करेंगे ठीक है मिलते हैं आगे